अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफस्टाइल एंड मेकअप। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना रही थी, जो कि मैं रात को बना के रख देती हूँ और सुबह निहार उठ के मैं इसको पी लेती हूँ। क्या होता है इससे ना, हमें एक बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं और वेट भी इससे हमारा लूज़ होता है। और तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट होता है और हमारे मैदे के जितने भी मसले होते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सौंफ होते हैं, ज़ीरा होता है और इसमें पुदीना भी होता है। तो एक फ्रेशनेस से भी इससे हमें फ़ील होती है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को 2 से 3 पत्तियाँ पुदीने की ले लेती हूँ और उसमें मैं एक छोटा चम्मच डालती हूँ ज़ीरे का और आधा चम्मच मैं डालती हूँ सौंफ का। इन तीनों चीज़ों को डाल के, तो मैं इसमें पानी डाल के कवर करके इसको रात भर के लिए मैं छोड़ देती हूँ। ये इन तीनों चीज़ों की तासीर इस तरह से अच्छा। ये नेक्स्ट फिर सुबह का टाइम है, तो सुबह सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ तो मैं ये ज़ीरा पानी पीती हूँ। चाहें तो आप इसको गर्म कर सकते हैं या चाहें तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं, क्योंकि मेरा मैदा थोड़ा सा गर्म होता है तो मैं इसको गर्म नहीं करती हूँ, मैं ऐसे पी देती हूँ। तो ऐसे इसकी तासीर भी ठंडी रहती है और इससे आपका वेट लॉस भी होता है। तो मैं इसको ऐसे पी लूँगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने घर के काम। ये देखिए, इसका सारा जो न्यूट्रिशन है ज़ीरे का, सौंफ का और उसका क्या होता है पुदीने का, तो वो सब इसके अंदर पानी के अंदर आ चुका है। तो मैं अब इसको पी लूँगी और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त। आप भी इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो आपके बहुत सारे जो मसाइल होंगे ना हेल्थ के हवाले से, तो वो काफ़ी ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो ये हैं जी ओट्स, ये मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे दूध में। आप इसको पानी में भी भिगो सकते हैं, तो मैंने इसको दूध में भिगो दिए थे रात को तकरीबन 4 से 5 स्पून, ठीक है। तो कुछ लोगों को फीका अच्छा लगता है और कुछ लोग मेरी तरह बहुत ज़्यादा ना मीठा खाते हैं, तो मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें डाल दूंगी हनी 1 स्पून। 1 स्पून में हनी डाल दूंगी। वो हनी भी आप इस तरह से डाल सकते हैं कि हनी आपकी खालिश होनी चाहिए, खालिश शहद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैं इसके अंदर 1 स्पून हनी का डाल दूंगी और फिर इसको कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। और ये है मेरा नाश्ता। वैसे सुबह उठते ही निहार में मैंने 1 कप गर्म पानी पिया है और उसके बाद रात को मैंने पिया था जीरा पानी। तो ज़ीरे को और सौंफ को मैंने पानी में बॉईल कर दिया था, 3 से 4 पत्ती मैंने उसमें डाली थी उसकी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये है मेरा नाश्ता। अच्छा, तो ये वाला जो क्लिप है ना, तो ये है ईद से पहले चांद रात वाले दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे मेरी एक दोस्त आई हुई थी मुझसे हेयर कलर कराने के लिए, तो फेशियल वगैरह करवाने के लिए। तो क्योंकि मेरा जैसे मैं मूड के हिसाब से काम करती हूँ और अपनी हेल्थ के हिसाब से भी, अगर तबीयत सही होती है तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं करती हूँ। तो फिर उसने कहा चलो आप तो नहीं कर रही है, लेकिन आप मेरे साथ चलें और किसी अच्छे से पार्लर पे जाके ना हेयर कलर करवाते हैं, क्योंकि वो उसकी तसल्ली मुझसे ही होती है, तो इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर गई हुई थी। और ये ईद के तीसरे दिन का क्लिप है। यहाँ पे मेरे एक देवर लाहौर में होते हैं तो वो आए हुए थे हमें ईद मिलने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना बना लिया था और हम सब लोग खा रहे थे खाना। मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, मेरे ससुराल से मेरी नंदें और मेरे देवर, तो क्योंकि मैं बड़ी भाभी हूँ तो फिर इसलिए सब मेरे घर पे आते हैं ईद मिलने के लिए और हम भी जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी नंद और उनकी बेटियाँ और मेरी भतीजे आई हुई थी। खाने के बाद जब चाय का टाइम हुआ तो फिर चाय के साथ बिस्किट और अगर पिज़्ज़ा और अगर बर्गर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हो तो फिर चाय का मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने खैर यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और पिज़्ज़ा इतनी देर के बाद आया था ना, हमारे जामपुर शहर की कोई इतनी सर्विस अच्छी है ना, तो पिज़्ज़ा आया था तकरीबन 1.5 घंटे के बाद। हम लोग चाय पी चुके थे वही बिस्किट के साथ ही और ये पिज़्ज़ा बाद में आया था।
तो खैर मैंने अपनी नंद से कहा कि फिर ये आप घर पे ही ले जाइए, तो फिर नेक्स्ट टाइम चाय के साथ ही खा लीजिएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये है दोपहर का टाइम, तो दोपहर में आज जो मैं बना रही थी, गोला कबाब। उसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया था, उसको बहुत अच्छे से धो के ना तो मैंने उसको चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और ये भी मैं डाल के इसको फिर दोबारा से एक दफ़ा मैं मशीन को चला लूँगी। अच्छा अगर तो आप लोग अच्छा ये 1 अदद मैंने प्याज को चॉप कर लिया था और उसके बाद मैंने उसका पानी अच्छे से बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है। और उसके बाद ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है तो इसको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है। और ये है पुदीना, इसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। और ये है जी धनिया पाउडर, ठीक है। ये नमक है, ये कुटी हुई लाल मिर्ची हैं, ये हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर है, ये चाट मसाला है, ये ज़ीरा पाउडर है और ये सौंफ थोड़े से मैंने कूट लिए थे, तो ये काली मिर्ची हैं। और ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी है। तो थोड़ा सा हमने ना 1 पिंच जितना वो लिया है ताकि ये हमारे कबाब जो है ना ये बहुत अच्छे से जूसी से और सॉफ्ट बने, ठीक है। तो बाकी जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा सबसे पहले अब इसके अंदर जो चीज़ मैं डालूँगी वो है देसी घी, क्योंकि इसके अंदर चर्बी नहीं थी तो फिर ये जूसी नहीं बनते हैं, नरम सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये देसी घी का। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 चम्मच से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब जो इसमें जाएगा वो है लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन का पेस्ट। और ये इसके अंदर जाएगी अदरक, ठीक है। मैंने चिकन लिया था 1/2 किलो, तो मैं ये आपको 1/2 किलो की रेसिपी दे रही हूँ। तो अब ये जो स्पाइसेस थे हमारे पास मैं वो डालती जाऊँगी। ये तमाम ड्राई स्पाइसेस मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सौंफ भी ज़रूर डालिएगा, सौंफ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, आप चाट मसाला की जगह पे आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, तो इससे इनका टेस्ट, गोला कबाब का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू स्टाइल से गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसमें मैंने धनिया डाल दिए हैं। अब हम इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। तो आपने इसको मिक्स मतलब थोड़ा टाइट हाथ के साथ ही करना है और बहुत मतलब 4 से 5 मिनट तो लाजमी ही आपने इसको मिक्स करना है। इस तरह से आपने इसको दबा के करना है मिक्स, इस तरह से आपने इसको ना प्रेस करते हुए अच्छे से दबा के मिक्स करना है। जितना आप इसको दबा के अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो ये आपके जो कबाब है ना उतने अच्छे और रेशे वाले बनेंगे, जैसे रेशेदार कबाब होते हैं ना, तो उस तरह से बनेंगे। अच्छा इस तरह से हमने इसको मिक्स करके तो हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। तो फ्रिज में रखने से क्या होगा कि इसके अंदर जो मिक्सचर है ना तो तमाम मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे से जज्ब हो जाएंगे। तो कुछ देर के लिए मैं इसको रख दूँगी फ्रिज। अच्छा 1/2 घंटा गुजरने के बाद तो मैंने ये निकाल लिया था अमेज़ा, तो ये बारबेक्यू सीख थी मेरे पास, मैं इसके ऊपर इसको लगा के ना तो इस तरह से मैं इसको ये तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। ये जो एक इनके अंदर ये होल बन जाता है ना सीख के ऊपर लगा कर तैयार करने वाला ये वाला होल, तो इससे क्या होता है ये कबाब हमारे अंदर तक पक जाते हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो अगर इस तरह सीख पे बनाएंगे या किसी स्पून की मदद से या स्टिक पे, तो फिर ना ये आपके कबाब अंदर तक पक जाएंगे। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, हल्का हल्का हाथ पे ऑयल लगा के। तो इसी तरह से आपने इस बारबेक्यू सीख पे लगा के तो ये तमाम कबाबों को आपने तैयार कर लेना है। अच्छा हम इस तरह से कबाब तैयार करके इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं जिप लॉक बैग में। कुछ देर के लिए फ्रीज़र में आप इनको रख दें, जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ, मतलब इस तरह हो कि आपस में ये नहीं जुड़ेंगे, तो फिर आप इसको जिप लॉक बैग में या किसी कंटेनर में डाल के इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे या गेस्ट आएँ तो आप इनको फ्रीज़र से निकालें और बनाएं। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, तो आप झटपट इनको निकालें और बना लें।
तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इस तरह से बना के मैं इनको फ्रीज़र में डाल देती हूँ, और जब मेरे गेस्ट आते हैं तो मैं फिर इनको निकालती हूँ और बना लेती हूँ। या तो फिर आप इनको इस तरह से फ्राई करके भी आप इनको जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, इस तरह से बना के फिर आप इनको फ्राई कर लें, और फ्राई करने के बाद आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल चाहे। खैर मैं तो यहाँ पे बना रही थी, मैंने ऑयल रख दिया था चूल्हे पे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आपने आँच को थोड़ा स्लो कर देना है, और फिर आपने ये कबाब डाल देने हैं। तो मैं सारे कबाब डाल दूँगी इसके अंदर, और मैं इनको दोनों साइड से ना अच्छी तरह से कुक करूँगी। अच्छा आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ पे आँच अपनी बहुत स्लो कर देनी है, ताकि हमारे कबाब ऊपर से ना जल जाएं, अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। इस तरह से पैन को हिला देना है, जो ऑयल है ऊपर तक हमारे कबाबों पे मतलब लग जाए, और ये अच्छे से कुक हो जाए। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे ऐसे ही जब कुक हो जाए तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। जब इस तरह का ब्राउन सा कलर आ जाए एक साइड पे, तो आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। दोनों साइड से हमने सेम इसी तरह से बना लेना है। अच्छा एक साइड पे मैंने 10 मिनट तक इनको किया था फ्राई, क्योंकि मैंने आँच को बहुत स्लो कर दिया था ताकि ये अंदर तक पक जाएँ। तो फिर ये 10 मिनट लगे थे एक साइड, और टोटल 20 मिनट लगे थे मुझे दोनों साइड पे पकाने तक। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर जब आ गया था तो मैंने इनको निकाल लिया था पैन से। आज की रेसिपी, दोनों रेसिपीज़ मेरी बहुत मज़ेदार हैं, और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आप लोग अच्छे से सब पूरी वीडियो देख के ही इतनी अच्छी और सिंपल रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। अच्छा यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, कबाब मैंने निकाल के साइड पे रख दिए थे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने घर की जो मलाई होती है हमारे दूध की, तो वो मैंने डाल दी है आधी प्याली, और उसके बाद मैंने 2 चम्मच मक्खन डाल दिए थे, और तकरीबन 5 से 6 स्पून मैंने डाला है मेयोनीज़, जो हमारे पास मेयोनीज़ होता है। उसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं तकरीबन थोड़ी सी, 1 चुटकी, और 1 चुटकी मैंने डाला है नमक, और 1 चुटकी मैंने डाली है काली मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा क्या है कि मैं बाज़ार वाला जो क्रीम मिलता है मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, अगर चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एक डबल ख़र्चा हो जाता है। घर में तो हमारे पास क्रीम मौजूद होता है अपने घर का दूध का मलाई, तो उससे ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। कभी आप इस तरह से बना के देखें, बाहर वाली क्रीम से भी और घर की क्रीम से, यकीन करें आपको घर वाली क्रीम से बहुत अच्छे ये खाने को मिलेंगे। अच्छा उसके बाद क्या था, जो जिस ऑयल में मैंने फ्राई किए थे कबाब, वही ऑयल थोड़ा सा मैंने लिया है, उसमें मैंने एक लच्छेदार प्याज कट कर लिया था बड़े बड़ा बड़े लच्छे में, और मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी, मेरे पास ये दूसरे सब्ज़ मिर्चे हैं, तो मैंने वो वाली कट करके डाल दी हैं। अगर आपके पास शिमला मिर्चे हैं तो आप वो डालिएगा। तो इसको हल्का सा मैंने सौते किया है तेज़ आँच पर, तो फिर इसको मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, और जो हमने मिक्सचर बनाया था मलाई और मक्खन और मेयोनीज़ का, तो उस मिक्सचर में डाल दिया था। ये घर में जो हमारे पास मलाई होती है उससे ये कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं, और घर का जो मलाई होता है वो साफ़ सुथरा होता है और बहुत अच्छा होता है। बाहर का वो किस तरह से बनाते नहीं पता होता है, और हल्का सा ही आपने बस इसको इस तरह से गर्म करना है, और ऊपर से आपने डाल देना है धनिया, तो ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं। यकीन करिए इतने मज़ेदार बने थे ना, तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये कैसे कबाब आप लोगों के तैयार हुए। आज तो मेरे कानों से डबल डबल आवाज़ें आ रही हैं, तो गला मेरा फिर से ख़राब है, क्योंकि आजकल घर में लस्सी बन रही है डेली से, तो मैं वही पी रही हूँ, तो बस फिर मेरा गला ख़राब हो जाता है उससे। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, अंदर से इतने हरे भरे सबस सबस और इतने मज़ेदार और ये जूसी कबाब बने थे ना, यकीन करें मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। हालांकि मैं चिकन और मटन बीफ इस तरह से बहुत कम खाती हूँ, गोश्त वाली चीज़ें, लेकिन ये इतने मज़ेदार बने थे और मैंने इनको खूब इंजॉय किया था, खाया था। उसके बाद जी आज मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो अम्मी की मेडिसिन में लेके आई थी, डॉक्टर को चेक करवा के आई थी। बस अम्मी मेरी का मैदा ख़राब रहता है अक्सर, तो तमाम जितनी भी दवाएं थी मैं चेक कर रही थी, वो 3 से 4 मेडिसिन थी, तीनों ही बस मैदे की थी, गैस और मैदे के मतलब प्रॉब्लम की थी। और यहाँ पर मैंने एक ड्रिप भी लगवा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको ड्रिप लगवाई है। और तो ये है 4 बजे का टाइम तकरीबन, और उसके बाद जी मेरा बड़ा दिल कि मैं कढ़ी बनाऊँ, तो फिर शाम तो खैर हो गई थी,
तो सोचा शाम में आज मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लस्सी ले ली है, ये मेरे घर का लस्सी है। आप अगर लस्सी ना हो तो दही से भी बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने उसमें डाली है एक छोटी प्याली बेसन की, और मैंने डाला है खुश्क धनिया, और मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं आधा चम्मच, और फिर मैं इसको कर दूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। नमक डाला है टेस्ट के मुताबिक, तो इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्दी आपने बहुत कम डालनी है, ज़्यादा हल्दी से इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। तो मिक्स करके मैंने रख दिया था। तो फिर उसके बाद ही मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। यहाँ पे आपने ऑयल बहुत कम लेना है। ऑयल के अंदर मैंने डाला है ज़ीरा एक चम्मच, एक चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने डाला है कुलवंजी, और मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और एक अदद प्याज चॉप करके डाल दिया है। जब वो अच्छे से फ्राई हो गए तो मैंने उसमें डाल दी है ये जो मैंने लस्सी का एक मिक्सचर बना के रखा था ना, तो मैंने वो डाल दिया है। अच्छा, इसको फिर हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें चम्मच आपने चलाते रहना है क्योंकि इसमें लम्स बनना शुरू हो जाते हैं जब ये गर्म होती है। तो आपने इस उस पे ना स्टेज पे आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और चलाते रहना है। ये देखेंगे अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है यहाँ पे, तो ये साइडों पे भी जो चिपकती रहती है, तो आपने इसको भी साथ के साथ उतारते रहना है और इसको पकाते रहना है। अच्छा, कढ़ी का ये होता है, अगर कढ़ी जितनी देर हम पकाएंगे ना तो वो उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो कम से कम कढ़ी को मैंने तो 1.5 घंटा पकाया था, और मुझे ये टाइम भी कम लग रहा था, और हल्की आँच पर मैंने बनाया था इसको। और यहाँ पे जी मैं अब पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ी को मैंने छोड़ दिया है हल्की आंच पे, क्योंकि अब वो जलने की उसकी वो ख़त्म हो गई थी जो टाइम था। तो अब इसमें मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें कट कर दी थी, और इसमें मैंने डाली थी मेथी और धनिया डाल दिया था, और इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, और इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाला था। तो फिर इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है मैंने, और ये धनिया डाला था, और कुटी हुई लाल मिर्चें मैं पकोड़े में हमेशा डालती हूँ, और यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया था। अच्छा, इस तरह पकोड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो जब भी पकोड़े बनाएं, जब आप ड्राई मसाले डालते हैं, तो पहले इनको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया करें दबा के, तो उस पर बाद में आप पानी डाला करें। तो इस तरह पकोड़े हमारे बड़े खस्ता और बहुत मज़ेदार से बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका बहुत अच्छा सा एक गाढ़ा सा मिक्सचर बना लूँगी। अच्छा, जो कढ़ी के पकोड़े होते हैं ना, तो उसका मिक्सचर गाढ़ा ही बनाया जाता है, वो पतला नहीं होता है, वो थोड़ा थिक ही रखा जाता है, तो उससे पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक थिक सा मिक्सचर बना के मैं इसको रख दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि मसाले अंदर तक जज्ब हो जाएँ। 15 मिनट हो चुके थे, ऑयल मैंने चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए। जब ऑयल गर्म हुआ अच्छे से, तो मैं इसमें ये पकोड़े डाल दूँगी और इनको बना लूँगी। इन पकौड़ों में आलू और ये नहीं डलते हैं, सिर्फ प्याज ही डाले जाते हैं। और यहाँ पे कढ़ी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी थी और बहुत मज़े की बन गई थी, इतनी मज़ेदार बनी थी ना, यकीन करें, इतनी मज़े की मेरी कढ़ी पहले कभी नहीं बनी थी। कढ़ी को जितना पकाते जाएं उतनी ये मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे पकौड़ों की साइड भी मैं चेंज कर दूँगी, तो ये गर्म गर्म पकौड़े फिर इस कढ़ी के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से मैं तो बनाती होती हूँ, और आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कढ़ी तो हर घर में बनती ही बनती है। तो बस मेरे घर में तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे पकोड़े हमारे बन चुके थे, चूल्हा यहाँ पे कढ़ी का मैंने बंद किया हुआ था, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी हो गई थी। अच्छा, मुझे ना कढ़ी थोड़ी थिकी अच्छी लगती है, ज़्यादा पतले वाली अच्छी नहीं लगती है, तो मैं थोड़ा इसको थिकी रखती हूँ, ज़्यादा थिक ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैं इस पर गर्म गर्म पकोड़े डाल दूँगी, और फिर हम इसका करेंगे तड़का तैयार। और जब तक मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ, तो आपने जल्दी से जाना है और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देना है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को ऐड के साथ देखा करें, तो आप लोगों के डबल 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 थैंक्स। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं जी इसमें पकोड़े, और मिक्स कर दिया है मैंने इसको बड़े अच्छे से और हल्के से हाथ के साथ। यहाँ पे मैंने खूबसूरत सा बोल लिया है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अब तमाम कढ़ी को। ये है जी मेरी कढ़ी की लुक, लेकिन अभी रुकिए, अभी इसमें और ख़ूबसूरत सी एक लुक मैं ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने वही जो पकोड़े वाला ऑयल था, उसके अंदर मैंने डाल दिया ज़ीरा, उसमें मैंने डाल दी है कड़ी पत्ता, उसमें मैंने डाल दी है जिस ये जो मिर्चें होती हैं, वैसे तो गोल वाली डालते हैं, मेरे पास यही वाली थी, मैंने ये डाल दिया। इसको हल्का सा गर्म किया, और मैं अब इसमें लगा रही हूँ तड़का। कि मज़ेदार सा तड़का लगने के बाद कड़ी की तो लुक ही चेंज हो गई थी, और ये इतनी मज़े की बनी थी ना, इतनी मज़ेदार बनी थी, ये ख़त्म हो चुकी थी जब इसमें मैं वॉइस डाल रही हूँ। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से बनाऊँ और फिर से खाऊँ, लेकिन क्या पता वैसी ना बने, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी। ये है जी इसकी फाइनल लुक।
कढ़ी की। तो ये मैंने दोनों चीज़ें तकरीबन 5 बजे तक तैयार कर ली थी, कढ़ी मेरी हो गई थी और खाना भी बन चुका था। ये है जी मेरे कढ़ी की लुक है और ये है जी मेरे गोला कबाब। तो फिर दिल कर रहा था कि इसको खाया जाए मकई की रोटी के साथ, सोचा आप लोगों को मकई की रोटी की रेसिपी भी दे दूं। तो क्या किया मैंने, आटे में थोड़ा सा नमक डाला और आटे को नमक के साथ मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाला है और मैं इसको गूंथती जाऊँगी। अच्छा, मैं आटा ज़्यादा से ज़्यादा देर कितनी देर गूंथती हूँ, सिर्फ 2 मिनट। मकई का आटा 2 मिनट गूंथने के बाद मैंने इसके 2 पेड़े कर दिए थे और मैं इसको गूंथती हूँ दूध के साथ। तो मेरी रोटी इसलिए बड़ी सॉफ्ट बनती है। तो जिस जिसने भी मेरी मकई की रोटी खाई हुई है तो सबको बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं वही आज आप लोगों को बता रही हूँ कि इसको गूंथती मैं दूध के साथ हूँ, इसलिए ये इतनी सॉफ्ट और मज़े की बनती है, टेस्टी बनती है। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा मतलब बढ़ाया है पेड़े को और फिर मैंने इसको तवे पे ही बढ़ाया था। तवे पे डाल देते और हाथों पे हल्का हल्का सा पानी लगा के, तो बड़े हल्के हाथ के साथ मैं इसको बढ़ाती जाती हूँ। लोग क्या करते हैं, इसको बेलन पे बनाते हैं, शॉपर पे बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो ये बहुत मज़े की बनती है और बिल्कुल भी टूटती नहीं है। तो हल्का सा हाथों पर पानी लगाते जाना है और इसको बढ़ाते जाना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, मैं पानी के साथ ही इसको हाथों पर लगा के बढ़ा रही हूँ। तो एक साइड इसकी कुक हो गई थी, अब हम इसकी साइड को कर लेंगे चेंज। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, चाहे आप इसको लोहे वाले तवे पे बनाएं या नॉन स्टिक पे। तो फिर दोनों साइड से जब कुक हो गई तो मैंने इस पर लगा दिया है मक्खन, और ये रोटी मक्खन और लस्सी के साथ ही अच्छी लगती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रोटी बन के तैयार हो गई थी। अब मैं इसको बस उतार लूँगी अपनी प्लेट में और मैं सर्व कर दूँगी। जहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को बर्था दिया था, गोला कबाब दे दिया है, साथ में लस्सी दी है और साथ में दी है जी कढ़ी। अच्छा, हम लोग लस्सी शाम के खाने में भी पी लेते हैं, तो हमारी आदत है, हम सादा से लोग हैं, तो हम लोग इसको शाम में भी लस्सी अपने खाने के साथ, डिनर के साथ पी लेते हैं। तो ये लस्सी साथ में रखी है और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत मज़ेदार सारी चीज़ें बड़ी मज़े की बनी हुई हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चटनी की रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4-10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, पुदीना लिया है, धनिया लिया है और मैंने प्याज लिया है और मैंने सब्ज़ लहसुन लिया है, नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने डाला है चीनी, और इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। तो ये चटनी अगर आप बना के रख लेते हैं, और जब भी आप चटनी बनाएं तो इसमें 1 चम्मच आप दही में डाल देंगे, इतनी मज़ेदार चटनी बन के तैयार होती है और ये ख़राब भी नहीं होती है। तो अगर तो आप इसमें 1 अदद लेमन भी डाल देते हैं तो ये बिल्कुल इसका कलर भी ख़राब नहीं होता है और इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है। तो पहले आपने सब्ज़ मिर्चें, प्याज, सब्ज़ लहसुन, धनिया, पुदीना, इन चीज़ों को डाल के चीनी और नमक डाल के आपने पीस लेना है अच्छे से। जब ये हाफ़ पीस जाए तो आपने इसमें दोबारा लेमन डाल लेना है 1 अदद, फिर आपने इसको दोबारा से पीस लेना है और उसके बाद आपने शीशे वाले जार में इसको डाल के रख लेना है अपने फ्रीज़र में। तो ये चटनी आपकी महीनों तक ख़राब नहीं होती है। बस जब आपने चटनी बनानी हो तो दही लेना है, दही में 1 चम्मच आप ये चटनी डालें और उसको मिक्स करें, आपकी चटनी डन हो गई है, तैयार हो गई है। तो आज आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।